आपको एक डॉग दिखाएंगे, तो आप इसके बताएंगे इसके बारे में, कहाँ से आया डॉग ये? मैं यूएस से लेके आया हूँ। यूएस से? आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यहीं का रहने वाला हूँ, बट मैं यूएस में जॉब करता हूँ। अच्छा, मैं वेकेशन आया हूँ तो मैं अपने डॉग को भी लेके आया था साथ में। ठीक है, तो इसका कौन सी ब्रीड है ये? स्टेफोर्डशायर बुल टेरियर। क्या नाम रखा आपने इसका? डीजे। डीजे, तो अभी बजेगा फिर ये? बहुत बजेगा भाई। इसलिए तो नाम रखा है डीजे। तो वाओ, इसकी कुछ एक्टिविटीज कराई आपने, कुछ सिखाया आपने इसको कुछ? तो ठीक है, अभी देखा जाएगा क्या रिजल्ट है, क्या करता है, क्या क्या एक्टिविटीज करता है। तो आपने वहाँ से इसको क्या कितने में परचेज किया भाई? 2 लाख का है। 2 लाख का, तो लाने का अलग खर्चा आया होगा फिर तो। वाओ, ये तो आदमी से ज्यादा महंगा हो गया। ठीक है यार, बहुत ही बढ़िया। इसका पासपोर्ट लगा, वीजा लगा कुछ है क्या? नहीं नहीं कुछ, इनका पासपोर्ट लगता है, डॉग पासपोर्ट। तो ठीक है, अगली बार इसकी पिंजरे में मुझे डाल के ले जाना। अपने पास रखेंगे आप, आपको फोन से फोन करेंगे, बाकी सब रिंग के हमारे जजेस रिंग के अंदर पहुंच चुके हैं और कहीं ना कहीं इन डॉगों की दिल की धड़कनें तेज हो चुकी हैं। आप इन डॉग्स की हार्ट बीट चेक कर सकते हैं। आपका नंबर क्या? अभी शीट आने वाली है, शीट ले आई पर सभी लोग थोड़ा तैयार है, अभी हम आपको बताएंगे कि कौन पहले आएगा, तो उसके बाद सभी लोग तैयार हैं। जो बहुत ही सुंदर, 6 महीने के हिसाब से बहुत अच्छी। हमारे सामने है अभी 6 मंथ्स का जर्मन शेफर्ड। अभी थोड़ा डर रहा है क्योंकि आप समझ सकते हैं कि इतने सारे लोग, वो भी पहली बार देख रहा है। बहुत सुंदर जी, आप इसे थोड़ा नजदीक लेकर के आइएगा। ठीक है जी, एग्जिबिट नंबर 13 मैक्स। हेलो, एक जर्मन शेफर्ड मेल की जो हाइट होती है 21 इंचेस से लेकर के 46 इंचेस के बीच में होती है। अगर एक कैटेगरी में हम लोग जर्मन शेफर्ड को देखते हैं, बॉडी का टाइप अगर आप लोग देखेंगे जो फ्रंट एंगल है इसका, देखिए एकदम स्ट्रेट रहेगा, जो बॉडी का बैक एंगल है वो बिल्कुल इंक्लाइंड रहेगा, एनाटॉमी वाइज अगर देखें
तो एक परफेक्ट स्टैक पोजीशन यहाँ पर कर पा रहे हैं अंकल जी। इसका जब आप स्टैक सर थोड़ा माइक ऊपर कर जी, आवाज कम आ रही है। देखिए ये जजेस इसे जज कर रहे हैं, इसको दिखा रहे हैं कि ये कितना कमांड कोविड करता है, साथ ही साथ कितना हेल्दी आपका डॉग है वो उन्होंने वैक्सीनेशन कार्ड पूरी सबसे देख लिया था। ये बहुत ज़रूरी है, आप डॉक्टर से अपनी वैक्सीनेशन कराएं। हेल्थ कार्ड इन्होंने दिखा दिया है, 15 दिन पहले ये केसीआई प्रेसर हेलो, इसमें देखा जाता है कि इसकी पेडिग्री क्या है, मतलब ये जो आपका डॉग है इसके पेरेंट्स कौन है, केसीआई कैनल क्लब ऑफ इंडिया एक संस्था है जो इसको सर्टिफिकेट देती है। नमस्कार भाई साहब, प्रणाम। देखती है कि ये डॉग फिट है कि नहीं, इसके पेरेंट्स पापा पापा लोगों से अलग अलग पैरामीटर रिंग आप उसके रिपू के भाई बोल रहे हो, जैसा कि आपने बहुत अच्छी जानकारी सभी देखने को मिलती है सेवल कलर में, बहुत सुंदर जी, बहुत सुंदर जी में। इसका एज कितना होगा, टू इयर्स की उम्र है इसकी, दो साल की, दो साल ये पहली बार आई है, थोड़ा सी डर रही है लेकिन कमांड फॉलो कर रही है के पेट ओनर ने से। इसकी फीमेल बहुत ही सुंदर, तालियों में बिल्कुल कमी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सभी का प्रोत्साहन होता है तालियों से, आपका भी हमारा भी और जितने भी पार्टिसिपेंट यहाँ पर आए हुए जी। बहुत ही सुंदर लॉन्ग हेयर की फीमेल हमारे सामने है, 2 साल की। कुछ कमांड दिखाइए। ये जर्मन शेफर्ड की अभी तक की लॉन्ग हेयर में बहुत ही सुंदर फीमेल है हमारे शहर के अनुसार, और अगर हम लोग इसकी एनाटॉमी की बात करें तो बहुत ही सुंदर एनाटॉमी इस फीमेल की है। अगर फ्रंट से हम लोग देखते हैं तो फ्रंट बहुत सुंदर है एनाटॉमी वाइज, अगर हाइंस इसके देखें तो हाइंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, चेस्ट बहुत सुंदर है, टोट भी बहुत सुंदर है इस फीमेल का, और 2 साल के हिसाब से बॉडी वेट भी मेरे अकॉर्डिंगली बहुत सुंदर इसका है, और बहुत ही सुंदर फीमेल पर्टिकुलरली ब्रीडिंग के लिए अगर मैं बोलूं अपने नज़रिए तो बहुत ही सुंदर फीमेल, बाइट भी बहुत परफेक्टली इसकी फीमेल की है। क्योंकि देखिए अगर एक अच्छी ब्रीडिंग का बच्चा आप लोग ऑप्ट करते हैं तो वो हर वे में आपको परफेक्ट मिलेगा, देखने में ही नहीं बल्कि अगर
बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर फीमेल जर्मन शेफर्ड की। ये डिवॉर्मिंग के बारे में पूछा जा रहा है कि इसको डिवॉर्मिंग कराए कि नहीं। आप सभी को मैं बता दूं डिवॉर्मिंग क्या प्रोसेस होता है। डिवॉर्मिंग जितने भी हमारे पास पेट्स हैं, चाहे वो गाय भैंस कुत्ता बिल्ली, और जो है लंबाई कुछ होती है जो है उसकी है, आप उसकी हेल्थ कैसी है, उसके शरीर की चमक कैसी है, आपने उसको प्रॉपर समय पे डिवॉर्मिंग कराया है या नहीं कराया है, ये सब भी चेक किया जा रहा है। तीसरा है उसका टेम्परामेंट और बिहेवियर, मतलब उसके बिहेवियर किस तरह का है, टेम्परामेंट किस है, ज़्यादा एग्रेसिव तो नहीं है, ये सब चीज़ें देखी जाएंगी। चौथा है कि हम देख रहे हैं कि क्यों देख रहे हैं। दूसरा है उसके खेलने का हमारे पास है, उन सभी से अनुरोध है कि अपने लेदर बैग को इधर एंट्री पॉइंट पर लेकर के आए और थोड़ा आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपने जर्मन शेफर्ड डॉग को यहाँ पर लाने के लिए और पार्टिसिपेट करने के लिए। तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए, आप एक में कमी कर रहे हैं, बिल्कुल बराबर तालियों से अभिनंदन। डॉग शोज में रनिंग का वर्कआउट इसलिए रखा जाता है डॉग के एंड्योरेंस को चेक करने के लिए कि डॉग का एंड्योरेंस कैसा है। अगली बार जब भी सेकेंड ये 9 मंथ का लॉग है, एग्जीबिटर नंबर 10। अब इसकी डॉक्टर्स की टीम द्वारा इसका फायर कोड डिवॉर्मिंग वैक्सीनेशन है कि नहीं, एंगुलेशन प्लस वन, जल्दी आइए जल्दी आइए। एक वॉक स्टेट करा ये स्ट्रेट वॉक डॉग्स की जजेस द्वारा डॉक्टर्स के पैनल्स द्वारा कराई जा रही है। इधर लाइए इसको, आपका डॉग कितना हेल्थी है, ओबेसिटी है कि नहीं, वो सब भी चेक करते हैं। हेल्थी डॉग मतलब उसका वेट कंट्रोल में रहना चाहिए, ज़्यादा ओवरवेट भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट एग्जिबिट नंबर 23 पूरा राउंड कराइए प्लीज। ये देखिए इनके साथ साथ ही और छोटी कीजिए स्टेज, और छोटी कीजिए कैमरे के द्वारा फिर देखता मेरे शो में आ गए हैं विदाउट टिकट। कर्नल साहब आप अपने डॉग के अंदर जाइए। इसका एंगुलेशन ये सब चेक किया जा रहा है। देखते हैं देखिए एंगुलेशन तो जर्मनी मतलब जो जर्मनी होता है सिर्फ जर्मन से जर्मन का है, और जो नॉर्मल जितनी भी ब्रीड डॉग्स हैं ये स्कैट होते हैं, तो स्कैट का एक पर्टिकुलर एंगल पे पोजीशनिंग होता है। स्कैट मतलब आप थोड़ा बताते हैं स्कैट, स्कैट क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी आप या अगर मैं ब्रीड की बात करता हूँ तो स्कैट बाबा जी इसमें होता है कि बैलेंस कलर का लैब्राडोर हमारे पास में ऑस्कर शायद उम्र में 3 या 3.5-4 साल का डॉग है, बहुत ही सुंदर। देखिए ब्रीड स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर उसे ये देखिए लैब्राडोर सबसे पुरानी ब्रीड में से एक ब्रीड है लैब्राडोर। कमांड ओबेडिएंट के बाद इंटेलिजेंट
2019 की पैदाइश है इसकी, लगभग 2 साल मान के चले। कोई फॉरेन उसमें रहता है, ये अच्छी अच्छी ब्रीड्स ऑल ओवर इंडिया। ये होती है कम्प्लीटली स्टैक पोजिशन, अगर हम एक लैब्राडोर की देखते हैं बिल्कुल हेल्थी, तो एक्टिव भी है, ओवरवेट भी नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट अपने अकॉर्डिंगली। टेल का यही स्टैंडर्ड है लैब्राडोर की, हेड प्रोफाइल अगर आप देखोगे, फ्रंट फैशन आप देखोगे, चेस्ट स्टार्ट बहुत सुंदर। ऑस्कर हमारे सामने यहाँ पर, नहीं होनी चाहिए, हम लोग बार बार कंजूसी कर रहे हैं तालियों में, बहुत सुंदर जी। नमस्ते, बहुत सुंदर जी, बहुत तालियां, बहुत सुंदर, राउंड राउंड, बहुत सुंदर, परफेक्टली टीम डॉग, कमांड वाइज कोको, कोको का आयल चेकअप हो रहा है, उसके आईज, टीथ, फर, अरे अरे बिहेवियर, वैक्सीनेशन। कार्तिक वही गिर गया, कार्तिक वही। डॉक्टर्स के अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, वो उसको देख रहे हैं। एवियंस काला का ये डॉग है, एग्जिबिट नंबर। आइए आइए जल्दी आइए, तालियां तालियां, 100 रुपए में तालियां, कमी मत करिए जी, तालियां तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए आपसे। नमस्ते, देखिए डॉग नमस्ते, जब तक धूप रहेगी तब तक ये ऑफर रहेगी, नीचे से पकड़िए तो टाइट रहेगी। बहुत बढ़िया, आराम से सिटीजन की, आइए जल्दी आइए, 13 महीने 13 महीने 13 मंथ। डॉक्टर्स अब इसको देख रहे हैं, इसके जॉइंट्स, स्पाइनल कॉर्ड, हेयर्स, कमांड्स दी जा रही है, सेकंड के लिए बोला जा रहा है। पहली बार देखा इतना सारा क्राउड, और हम लोग गोल्डन रिट्रीवर की रिंग कर रहे हैं, और जितने भी गोल्डन रिट्रीवर के कर रहा है, नहीं होनी चाहिए, हम बहुत कमी कर रहे हैं, एक जोरदार तालियां हो जाए बड़ी के लिए, सारी कमांड फॉलो कर रहा है, सेकंड हाई फाइव, वाइट डाउन, वंडर डाउन करेगा, वंडरफुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लुटिया ने बहुत बढ़िया ट्रेन किया है, सेट बहुत बढ़िया, क्रॉल क्रॉल पोजिशन उसकी, इसको ट्रीट्स दी जाती है तब ये जाके कमांड फॉलो करता है। देखिए आप उनके हाथ में ट्रीट्स है, उसको जैसे वो कोई कमांड फॉलो कर रहा है, आइए जल्दी आइए, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां जनरल आपके डॉक्टर को, सुंदर। मात्र 100 रुपए में एक टिकट, और आज हमारे मेला अध्यक्ष श्री डॉक्टर खट्टर जी द्वारा 5 टिकटों के साथ एक टिकट फ्री देने की घोषणा की गई है, तो आप आइए और इसे संकाटों पर 5 टिकटों के साथ एक टिकट फ्री पाए। ये जो ऑफर है कुछ ही समय के लिए है, इसलिए आप शिक्षा में ये इनाम आप मात्र 100 रुपए में ले सकते हैं। डेटाबेस के साथ अपना पेडिग्री डाटाबेस क्या होता है, देखिए जैसे फोर फादर कंप्लीट हिस्ट्री होती है आपके डॉग की, जिसमें 4 है टोटली आपकी डॉग की टीथ की सेटिंग होती है, तो अब जब टीथ सेटिंग चेक करते हैं, फाइलिंग नहीं होती है, जितनी भी वर्किंग लाइन डॉग्स हैं, चाहे वो जर्मन शेफर्ड है, बेल्जियन मेलिनोइज है, या रिट्रीवर है, या लैब्राडोर है, ये कम्प्लीटली वर्किंग क्लास में डॉग्स आते हैं,
उसका बाद बहुत अच्छे से गेम मैंने के आसपास शायद बहुत ही सुंदर गोल्डन रिट्रीवर का रिट्रीवर मेल हेलो हाँ कर रहा है तालिया भाई साहब झूले में रंगीन लाइट वाली तलवार बहुत सुंदर बच्चों को घर से अंदर घुसते ही आपके पास जो है भाई जी की भाई की शेरो शायरी से आपका स्वागत होगा खान के साथ बहुत सुंदर करमवीर सिंह पटवाल जी ने यहाँ पे बहुत सुंदर आप लोगों के लिए चाहते हैं तो निश्चित तौर पे आप इसको यहाँ से लेंगे हमारे बीच सेवा में अपनी सेवाएं दे रहे हैं भाई धर्मवीर भाई जी पहुंच चुके हैं बहुत सुंदर जी इसे थोड़ा पीछे लौटने को आप थोड़ा पीछे कर दीजिए डाउन ढाई साल का है इसके बाद हस्की की कैटेगरी में हम लोग शो करेंगे तो जितने भी हस्की के ओनर्स हैं जो अपने डॉग्स लेकर के आए हैं या बिचेस लेकर के आए हैं प्लीज रिंग के पास आ जाइए बाकी यहाँ पे सवेंद्र रावत गुड्डू भाई उत्तराखंडी देवभूमि दर्शन ध्रुव गोबर से बनी हुई ध्रुव यदि आप मेरी धूप है उनको अपने घर पे ले जाएंगे और पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाएंगे इसमें जो है उपज सूखी धूप है कहा जाता है सामग्री ये सब बद्री गाय का घी अगर आप चाहते हैं बद्री गाय का घी आप ले जाना चाहते हैं तो आप भाई सवेंद्र रावत गुड्डू भाई से संपर्क कर सकते हैं और आपको अचार मिक्स अचार शहद पहाड़ की मदद शो करेंगे सारे डॉग्स को एक साथ शो करते हैं जो उसकी शुरुआत होती है तो उसको ट्रॉटिंग कहा जाता है जब डॉग अपने फ्रंट के जो लेग्स हैं उनको बिल्कुल मदमस्त एक बहुत ही सुंदर रॉटवीलर बहुत ही सुंदर आयोजित किया गया लायंस क्लब डिग्निटी का हैंडशेक जो भी हमारे इवेंट लीडर्स हैं डॉक्टर से बधाई के पात्र हैं बहुत ही सुंदर ढंग से आयोजित किया गया तो हेलो जितने भी मेले कोटद्वार में आयोजित होते हैं एटलीस्ट मेरे हिसाब से वाई इज द बेस्ट और जनरेशन के बच्चे होते हैं जनरेशन क्या होती है विदेश इंडिया के अंदर में तो आप इंडिया साइबर क्रॉस हुआ जनरेशन फैमिली तो विदेश से जो कुत्ता आया वो थर्ड जनरेशन होती है यहाँ पे फीमेल के साथ मेहमान और थर्ड जनरेशन साइबर पहला हमारे सामने है थर्ड आप अंदर आ जाइए नंबर 21 अभिकल पांडे जी पांडे जी का सामान यहाँ पे हमारे मनोज जसवाला पंडित मनोज जसवाला जी हमारे पीछे हैं आप बहुत सुंदर अच्छी व्यवस्था जिसमें तो आप सभी से रिक्वेस्ट है पीजा लेवल लाइनअप में आ गया है हमारे पास एक यहाँ पर अवेलेबल है और हमारे पास जो एक प्रोडक्ट से बनाना चाहिए ताकि अगर आप वो प्रोडक्ट थे लेना कौन से लेवल की जरूरत आप मल्टीवाइटामिन कुछ भी यूके इम्पोर्टेड डॉग इसकी कमांड आप देखिए स्टे कमांड है स्टे हो रहा है मतलब उसकी जगह बैठा हुआ है इसका
और ये उन्होंने ये क्या तालियां तालियों से स्वागत कीजिए एक घंटे बाद रिजल्ट निकलेगा।